Hello and welcome to our YouTube channel, Rubel Solutions. Students, this is a simple program to generate Fibonacci series for a given number using a recursive function. इसमें हमने Fibonacci series बनाई है. Fibonacci series क्या होती है? 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8 इस तरह से ऐड होते जाते हैं, वो Fibonacci series होती है. यहाँ पर हमने लूप ली है 10 तक, और मेनली इस फंक्शन को बताने का मोटिव ये है कि रिकर्सिव फंक्शन किस तरह से कॉल होता है. चलो शुरू करते हैं. हैश इंक्लूड स्टडियो डॉट एच इंट Fibonacci. दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. इंट आई आर द आर्गुमेंट्स, देन द ब्रैकेट स्टार्ट. उसके बाद कंडीशन लगती है, इफ आई नॉट इक्वल टू इक्वल टू जीरो देन रिटर्न जीरो, इफ आई इक्वल टू वन देन रिटर्न वन. ठीक है, उसके बाद आप देखिए यही रिटर्न में कॉल होता जाता है. जो ये पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, यही जो फंक्शन बार बार फंक्शन के अंदर कॉल होता है, इसी को बोलते हैं रिकर्शन. अगर एक फंक्शन के अंदर कॉल होता है बार बार, जब तक कि कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, उसी चीज़ को कहते हैं रिकर्शन. तो ये रिकर्शन के थ्रू Fibonacci यूजर डिफाइंड फंक्शन बन गया, और बस अब इंट मेन में उसको कॉल करेंगे. इंट मेन, int i for i equal to 0, i less than equal to 10, i plus plus, और सीधा प्रिंट एफ करवा दीजिए Fibonacci i, क्योंकि यहाँ पर जाते ही वो कहाँ जाएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन में, और वहाँ पर सारा काम करके हमको आउटपुट दे देगा. आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर. दिस इज अ सिंपल रिकर्सिव फंक्शन. पहले मुझे भी थोड़े टफ लगते थे रिकर्सिव फंक्शन, लेकिन जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना कि फंक्शन विद इन फंक्शन किस तरह से कॉल करना है, किस तरह से कंडीशन लगानी है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, और स्टूडेंट्स मैं इन सब का कोड कमेंट बॉक्स में भी लिख रही हूँ. अगर आपको चाहिए हो तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी उठा सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपको सॉल्व करूँगी. आप फेसबुक पेज का लिंक नीचे दिया हुआ है हमारे जो Rubel Solutions के पेज का, आप उससे कांटेक्ट कीजिए अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. मैं आपको डायरेक्ट भी ज़रूर समझाऊँगी. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट यू आर गिविंग. लव लव, हैव अ नाइस डे.